didn't. हेलो जी, कैसे हैं आप? अच्छा जी, फिर से मैं इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ा हूँ। तो पहले मैं जाया करता था मियांवाली वाली साइड से, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा यार रूट चेंज करते हैं, क्योंकि एक ही रूट से जा के बंदा बोर हो जाता है। इस दफ़ा हम जाएंगे न्यू रोड से। सबसे पहले हम जाएंगे केपीके से, फिर हम इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। और दूसरी बात यह है कि इधर से मुझे रास्ते का भी नहीं पता और सफ़र भी ज़्यादा है, लेकिन मैंने कहा यार इस दफ़ा जाना कहीं न्यू रोड से है। तो सबसे पहले करवाते हैं कार की टैंकी फुल, बिल्कुल चट हुई पड़ी है। टैंकी फुल करवाने के बाद सीधा हम निकल जाएंगे केपीके से, फिर हम सीधा निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए। आज देखते हैं कैसे सफर होता है, क्योंकि इधर से मुझे पता भी नहीं है। मेरे को बच्चे ने अच्छा यार, सरहद वाली साइड से आके ना मैंने की गलती है। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जैसे ही मैं सरहद में इंटर हुआ, तो सबसे पहले जी मुझे पुलिस वालों ने रोका, कार वेरीफाई की। कार वेरीफाई करने के बाद तकरीबन 3-4 किलोमीटर के बाद फिर पुलिस वालों ने रोक लिया। भाई किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आप इधर कैसे घुस गए हो, आप तो पंजाब के हो। उनको जी कहानी शहानी डाली। उसके बाद जी मुझे रास्तों का बिल्कुल नहीं था पता, मैंने गूगल मैप लगा ली, उसने मुझे जी केपीके की सारी गलियाँ एक एक गली फिराई। तो जिधर जिधर वो लेके जाती थी मैं चलता रहा। तो वीडियो बनाना मुझे भूल गया हुआ था मैं, कि आज किधर फंस गया हूँ। तो करते कराते जी एंड पे मैं पहुँच गया मोटरवे पे। जैसे मोटरवे पे चढ़ा तो चलान हो गया, सीट बेल्ट का चलान, काले शीशों का चलान, फैंसी नंबर प्लेट्स का चलान, 3-4 चलान इकट्ठे ठुक गए। मैं कहा चलो जी ये भी बेहतर हो गया। तो अब जी सी पैक पे चढ़ा हूँ, तो अभी पूरे 320 किलोमीटर यहाँ से इस्लामाबाद है, और मैं थक भी काफ़ी गया हूँ। और सही बताऊँ तो सही जलील होकर जा रहा हूँ। मैंने तो सोचा था कि रूट चेंज हो जाएगा, थोड़ा इंजॉय करते जाएंगे, मज़े से जाएंगे, मुझे नहीं पता था कि यह हालत हो। तो इधर शहर में मैं इतना जलील हुआ, इतना रश था ना, मैंने कहा आज फंस गया हूँ, ना उजड़े हैं ना वसे हैं, ऐसे फंसे हैं। तो अभी चलते हैं, तो अब गपशप कोई भी नहीं करेंगे, अब इस्लामाबाद पहुँच के गपशप करेंगे। इस्लामाबाद पहुँच के मिलते हैं, बस ऐसे हल्की फुल्की वीडियो बनाते जाऊँगा, लेकिन अब गपशप नहीं करेंगे, मैं थक काफ़ी गया हूँ। तो बस चुप करके जाके इस्लामाबाद पहुँच के मिलते हैं। आखिरकार हमने इस्लामाबाद वाला टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया है। तो अभी यकीन करें मुझे तकरीबन 7.5 घंटे हो गया कार ड्राइव कर रहा हूँ, एक मिनट क्या एक सेकंड भी ब्रेक नहीं लगाई। ऊपर से मैंने वो न्यू पंगा ले लिया था कि केपीके वाला के रूट चेंज करूं, उसने सही जलील किया है। तो अब मेरी एंड हुई पड़ी है, पर खैर अब हम इस्लामाबाद में इंटर हो गए हैं। तो आपको इस्लामाबाद थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। अच्छा जी, फाइनली मैं इस्लामाबाद पहुंच गया हूं। तो अब ना वीडियो किधर ही एंड करते हैं, और बहुत थक गया हूं यार। अभी बस कपड़े चेंज करने हैं, कपड़े चेंज करके एक छोटा सा काम उधर निकल जाना है। तो चले खैर, बाकी गपशप बाद में होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और ओके बाय, थैंक यू वेरी मच। और यार सच में बहुत थक गया हूँ।